Hello guys, welcome to this new lecture of functions. Today we are going to study about the graph of and some properties of cot of x. यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है y इक्वल टू कॉट ऑफ एक्स विच इज़ नथिंग बट हमको पता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स होता है. तो हमने पहले क्या किया, हमने पहले x एक्सिस ड्रॉ किया देन y एक्सिस ड्रॉ किया. उसका ग्राफ कुछ इस तरह का होता है. आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 10 का जैसा ये, बट 10 यहाँ 0 से पास होता था. क्यों? क्योंकि 10 0 0 होता था. बट कॉट 0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है. कॉट 0 अनडिफाइंड मतलब जब भी x का वैल्यू 0 रहेगा इसका वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा. तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे ये नज़दीक जाएगा वाई के वैसे वैसे एक्स जीरो की तरफ जाएगा. जैसे जैसे एक्स जीरो की तरफ जाएगा ये इन्फिनिटी की तरफ ऊपर चलते आ रहा है. ठीक है, तो इसलिए इसका ग्राफ कुछ इस तरह का बना हुआ है. देन एक और सिम्प्टोट आता है देन ये रिपीट होते आता है इन सेम सिमिलरली इन दिस डायरेक्शन ऑल्सो. ये देन और सिम्प्टोट एंड देन अगेन द रिपीटेशंस. ठीक है, फॉलोड. नाउ इसमें एंगल की बात करें तो 0 पाई बाय 2 की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे अगर हम लोग पाई बाय 2 पुट करते हैं तो आप देख सकते हैं अगर मैं पाई बाय 2 पुट करूँ साइन पाई बाय 2 तो होता है 1 और कॉस पाई बाय 2 होता है 0. तो विच इज़ 0. तो ये वैल्यू क्या आनी चाहिए, पाई बाय 2. अगेन पाई पे ये अनडिफाइन हो जाएगा. देन 3 पाई बाय 2 अगेन 2 पाई पे ये अनडिफाइन हो जाएगा. सिमिलरली इन दिस डायरेक्शन माइनस पाई बाय 2. ठीक है, एंड माइनस पाई माइनस 3 पाई बाय 2 और यहाँ पे एक सिम्प्टोट आएगा माइनस 2 पाई का. ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा ग्राफ है. कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस तो नहीं है ग्राफ में. अब इसके कुछ बेसिक जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या होती हैं. तो इसके पहले हम लोग डोमेन की बात करेंगे. तो इसका डोमेन क्या हो क्या होता है, डोमेन में हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से एक्स के वैल्यूज़ पॉसिबल हैं. तो यहाँ से आप लोग क्लियर कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ पर ये डिनोमिनेटर ज़ीरो हो गया वहाँ वहाँ पे इसका वैल्यू अनडिफाइन हो जाएगा. तो जहाँ जहाँ पे साइन जीरो हो गया वहाँ वहाँ पे कॉट का वैल्यू अनडिफाइन हो जाएगा. तो साइन जीरो कहाँ कहाँ पे होगा, साइन जीरो होगा 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, मस एंड मल्टीपल ऑफ पाई पे, एन ऑफ पाई पे. तो इसका डोमेन सारे के सारे रियल नंबर है माइनस ऑफ एन पाई है, वे एन इज एन इंटीजर. आप ग्राफ से भी देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे इसका वैल्यू नहीं है. तो आप देख सकते हैं पाई पे इसका वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, मतलब वैल्यू फाइनाइट नहीं है. 2 पाई पे वैल्यू फाइनाइट नहीं है, 0 पे वैल्यू फाइनाइट नहीं. तो आप देख सकते हैं. ठीक है, तो डैट इज़ डोमेन. और रेंज की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, रेंज इसका पूरा रियल नंबर है. देख सकते हैं ऊपर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, नीचे इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है. मैंने आपको बताया था कि रेंज के लिए हमें वाई एक्सिस को देखना होता है. तो रेंज इसका पूरा का पूरा रियल नंबर है. देन असिम्प्टोट की बात कर लेते हैं, क्या इसमें असिम्प्टोट है. तो यस, इसमें असिम्प्टोट है. आप देख सकते हैं ये लाइंस जो है वो असिम्प्टोट है. तो लाइंस के इक्वेशंस क्या है, x इज इक्वल्स टू एन पाई. ठीक है, नाउ क्या ये पीरियोडिक है, तो यस ये पीरियोडिक भी है. इसका पीरियड कितना हो जाएगा, पीरियड मतलब मैंने बताया था मिनिमम रिपीटिंग लेंथ. उससे मिनिमम रिपीटिंग लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक है विच इज़ पाई बाई टू एंड पाई बाई टू विच इज़ टोटल डिस्टेंस इज पाई. ठीक है, क्या ये इसका f मैक्सिमम एग्जिस्ट होता है, तो नहीं एग्जिस्ट होता है. क्या इसका f मिनिमम एग्जिस्ट होता है, तो नहीं एग्जिस्ट होता है. ठीक है, ना क्या ये बाउंडेड है, तो ये बाउंडेड भी नहीं है. ठीक है, देख सकते हैं रियल नंबर है तो विच इज़ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इसलिए बाउंडेड भी नहीं है. ठीक है, तो ये तो हो गया 10 की कॉट की बात हो गई. तो बहुत ही सिंपल सा ग्राफ है, आपको बस इसके ये डोमेन रेंज को याद रख लेना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काम आएगा, बहुत जगह काम आएगा कैलकुलस में आगे भी. तो दिस इज़ इट फॉर दिस लेक्चर. आई होप यू आर फॉलोइंग माई लेक्चर्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग. इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आस्क इन कमेंट्स. थैंक यू.